हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है चपोरा फोर्ट के ऊपर होने वाला है। वहीं पर पास में चपोरा बीच भी पड़ती है, वहां पर हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों, अगर आपको गोवा आना है और आपको चीप प्राइस के अंदर होटल चाहिए और घर जैसा खाना, क्योंकि दोस्तों अगर गोवा में आते 4 से 5 दिन 10 दिन आप निकालेंगे तो कम से कम खाना ढंग का तो मिले। तो मैं तो सबसे पहले जब गोवा में आया था, मेरे को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, खाने का ढंग का नहीं मिल रहा था। तो जब से मैं इस होटल के अंदर रुका हूँ, यहाँ का जो खाना है, क्योंकि यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट दोनों साथ में ही है, ठीक है दोस्तों। एक तो यहाँ का खाना, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, तो एक तो यहाँ का खाना आपको अच्छा मिलेगा, जो घर जैसा खाना खाते वैसा ही मिलेगा। और दूसरा दोस्तों, रूम बहुत ही चीप रेट के अंदर है, 1000 रुपये से मिल जाता है आपको। दूसरा ये वाला, यहाँ पर सारी एक्टिविटी लिखी गई है, आपको जो भी एक्टिविटी करनी है आप यहाँ से कूपन उठाइए, आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। जो भी एक्टिविटी आपको करनी है सीधा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो चलिए अब हम निकलते हैं अपने रास्ते की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं चपोरा फोर्ट, सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, तो गाड़ी को यहीं पर खड़ी करते हैं क्योंकि आगे पार्किंग नहीं है। तो अभी हम निकलते हैं, क्यों, और गर्मी भी है दोस्तों, पसीना निकल रहा है। तो चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं। चपोरा फोर्ट को बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है, इतना ऊंचाई पर है कि इंसान चढ़ते चढ़ते थक जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो इस चीज़ को देखने आते होंगे, ये किसने बनाया, क्यों बनवाया, मतलब इतिहास में रुचि रखने वाले मुझे नहीं लगता यहाँ पे आते, बहुत ही कम, मान के चलिए 5% आते होंगे। लेकिन एक रीज़न है यहाँ पर लोगों के आने का, वो है वो जो पीछे की आप लोकेशन देख पा रहे हैं, वो दोस्तों वही लोकेशन है जहाँ पर दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ जिसमें आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान तीन एक्टर थे। तो उसी लोकेशन को ज़्यादातर यहाँ पर देखने के लिए लोग आते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर लोग क्या करने आते क्या नहीं करने आते हम नहीं जानते, लेकिन हम तो अपनी बीन बजाएंगे, इतिहास वाली बीन हम तो छोड़ेंगे, उसको बजाएंगे। तो हम अभी बताते हैं इसका इतिहास। दोस्तों, पूरा का पूरा फोर्ट तबाह हो चुका है, सिर्फ दीवारें बची हैं, सिर्फ उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर पुराने समय में कोई किला रहा होगा। अब इतिहास की बात करते हैं तो दोस्तों, जिस टाइम पे गोवा के अंदर अगवाड़ा फोर्ट बनवाया गया था, उसी के आसपास उसी समय में वो बनवाया गया था 1612 में, तो इसे बनवाया गया था 1617 में। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके उस मेन रीजन की जिसके लिए इसको बनाया गया था। दोस्तों, जब अगवाड़ा फोर्ट बनकर तैयार हो गया था तो उस पर मराठाओं ने बहुत ज़्यादा आक्रमण किए, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। तो उस समय पुर्तगालियों ने एक प्लान बनाया कि हम एक किला और बना लेते हैं इससे पहले ही, ताकि हम वहाँ पर सुरक्षित रह सकें। तो उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे पहले से ही निर्माण स्टार्ट कर दिया और 1617 के अंदर ये बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब क्या था दोस्तों, अपने जो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके जो पुत्र थे संभाजी, उन्होंने कुछ समय बाद, जब ये 1617 के अंदर बनकर तैयार हो गया था, कुछ समय बाद यहाँ पर आक्रमण करके इसको भी हथिया लिया था। तो ये दोनों ही एक बार किले मराठाओं के पास चले गए थे। दोस्तों, एक चीज तो है, देखो माननी पड़ेगी, जो भी ऊंचाई की जगह होती है वहां से सनसेट का मजा अलग ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो आपको अपनी तरफ खींचेगी, वो है दोस्तों ये चपोरा बीच, और इसके दूसरी साइड पीछे की साइड में वहां पर भी एक बीच है। तो बहुत अच्छी लोकेशन है दोस्तों, ये एक है जो व्यू जो इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाता है। तो मेरे को है ना एक बात समझ में नहीं आई,
चलो मैं तो वीडियो बनाने आया हूँ और मेरे जो कैमरे के जो व्यू हैं वो शाम के समय या रात के समय अच्छे नहीं आते, मैं तो इसलिए यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन यार इतनी गर्मी के अंदर लोग अभी क्यों आ रहे हैं? ये तो शाम को आ सकते हैं, इनको शाम को आना चाहिए। और दोस्तों अभी हम चलते हैं उस लोकेशन की तरफ जहाँ पर दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई थी, तो मैं वो आपको सीन भी दिखाऊंगा और साथ में वो लोकेशन भी दिखाऊंगा, आप मैच कर लेना, बिल्कुल उसी एंगल से मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पर जहां पर दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई थी, ये देखिए दोस्तों। और अभी मैं आपको दिखाता हूं कुछ सीन, तो मैच कर लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों यहां पर वो लोकेशन, यहां पर वो आमिर खान बैठे थे और यहां पर बैठे थे सैफ अली खान और यहां पर बैठे थे अक्षय खन्ना। तो एक तो ये एंगल था जो उस मूवी के अंदर लिया गया था। तो दोस्तों ये हो गया दिल चाहता है मूवी की शूटिंग का लोकेशन, आपने मैच कर लिया होगा, बिल्कुल अच्छे से दिखाया दोस्तों, एंगल वाइज एंगल बनाया। दोस्तों मैं ऐसे नहीं बोल रहा था बहुत ऊपर दोस्तों, वो जो आप ब्लू कलर का मकान देख पा रहे हैं बिल्कुल वहां पर हमारी गाड़ी खड़ी है दोस्तों, तो कितने ऊपर वो जो रास्ता, वहां से पता नहीं कितनी तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं दोस्तों, और गर्मी के अंदर तो ये थोड़ा सा रास्ता बहुत ज्यादा लगता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो चुपारा फोर्ट के ऊपर, कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, देखते रहिए। यस सर।